Hey, in 24 News के सभी दर्शक वेलकम एट योविक्स वर्कआउट। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, तो अभी तक मैंने आपको कभी बताया ही नहीं। यस, डेफिनेटली विल डू दैट स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा कि डे बाय डे हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे और मैं आपको सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी। एंड यकीन माने 8 से 10 मिनट, यानी कि 8 से 10 मिनट की योविक्स एक्सरसाइज इनफ है आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए। अभी जो मैं आपको करा रही हूँ वो इसलिए मैं आपको करा रही हूँ थोड़ा ज़्यादा बिकॉज ताकि आपका स्टैमिना बढ़े और 8 से 10 मिनट की एक्सरसाइज जो आप करें पावरफुल वो बहुत अच्छे से आप कर पाएँ। और पहले आप सारी एक्सरसाइज सीख लीजिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बार उसे करवा रही हूँ। और इंटेंसिटी भी हम डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसकी इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। आप बहुत टाइम तक एक्सरसाइज कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितनी इफेक्टिव और कितनी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो योविक्स की यही खासियत है कि ये डे बाय डे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। वेल, सो नाउ आज हम अपना वार्म अप आप कर ही चुके हैं, शोल्डर्स, देन दिस वेस्ट साइड, फ्रंट एंड बैक। उसके बाद हमने ये करा 5 मिनट, यस, इंक्लूडिंग योर अपर बॉडी। अब ऊपर की जो बॉडी है हमारी उसको हमने साथ में इन्वॉल्व किया। 5 मिनट हमने आप ये सब अब करते रहिए, मेरे साथ में करते रहिए। उसके बाद में आप थोड़ा ज़्यादा जो करना है वो आप मैं आपको बताती रहूँगी वो आप करिएगा, बट इस वक्त जब मैं साथ में आपके कर रही हूँ तो आप उसे मेरे साथ में करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा और स्पीड बढ़ा के 1, 2, 3, थोड़ा और स्पीड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दौड़ना नहीं है, स्टेप्स, नो रनिंग, ओनली स्टेप्स, ये सिर्फ स्टेप्स। आप देख रहे हैं कि मैं दौड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ स्टेप्स कर रही हूँ। ये सांस बाहर छोड़ते जाना है बीच बीच में, लगातार नहीं, बीच बीच में। और सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट को अंदर खींच के इसे टाइट करना है। ये देन थोड़ा आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then down again, पैर नीचे लेके स्टेप्स लेके, रनिंग नहीं करना है, सिर्फ स्टेप्स। आप देख रहे हैं कि मैं रनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स कर रही हूँ। ये एंड देन स्लो 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 स्लो, एकदम स्लो। एंड अपने हाथों को इस तरह करिए, 2, 3, एकदम स्लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15, slow. Take a deep breath and breathe out. Take a deep breath and breathe out. स्लो। उसके बाद में कहीं मैंने कहा कहीं पर बैठना नहीं आपको, येस, यू डोंट हैव टू सेट, कहीं पर भी बैठेंगे नहीं हम, हम सिर्फ खड़े रहेंगे। और खड़े होकर के बहुत बदम थोड़ा सा, बिल्कुल सही, आज आपने बहुत अच्छा किया, आज हमने थोड़ा सा स्पीड को भी इंक्लूड किया हमारे वर्कआउट में। हम सारी एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम स्पीड को भी आज हमने इंक्लूड किया है। नाउ लेट्स गो फॉर अनदर एक्सरसाइज। अब आप मेरे साथ दूसरी एक्सरसाइज करेंगे एंड दैट विल बी अगेन योर स्टेप्स अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. You are doing very good. बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, very good, very good, very nice. Proper pair आप लेकर के, good, excellent. Yes, good, good, and very, very good. ये हमने किया 25 से 30 और कहीं नहीं रुके अभी तक. Yes, आपको कल वाला जितना ही नंबर्स रखना है, आपको बढ़ाना नहीं है, कल जितना ही रखना है, तो आप
35 से 40 भी कर सकते हैं इसको. ओके नाउ अब हम स्लो स्टेप्स ही करेंगे, लेकिन ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे इसे हम स्लो स्टेप्स में ही करेंगे, लेकिन हम खड़े होकर नहीं करेंगे, ये हमें स्लो स्टेप्स में करना है. इस तरीके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप देखेंगे कि ये कैसे आपके बैक को एक्सरसाइज देता है. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये आपके बैक मसल्स वर्कआउट होते हैं. ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो आप रोज करते हैं वो. एंड देन दिस 1, 2, 3, 4, 5 इससे आपके बैक के मसल्स खूबसूरत बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इंक्लूडिंग योर चेस्ट मसल्स एज वेल. सो नाउ अब हम स्टेप्स करते जाएंगे, और स्टेप्स करते करते हमने ये सारी एक्सरसाइज करी 10 to 15 या 12 to 15 देन आप ये एंड देन दिस 1, 2, 3, 4 and 5 नाउ थोड़ा सा अपने कंधों को ऐसे पीछे की तरफ राउंड घुमाइए सो दैट दे गेट रिलैक्स्ड. 1, 2, 3 और हाथों को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे पीछे खींचिए सो दैट आप ये मसल्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए. ऑलराइट थोड़ा सा ये कंधों को आगे को राउंड किया एंड देन बैक बैक. ऑलराइट नाउ हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने कल क्रॉस में किया था दैट वाज ये हमने क्रॉस में किया था. हमने 10 ये किया था और 10 ये किया था. आज हम ये वाला क्रॉस वाला करेंगे, उसी को हम 20 करेंगे. दैट मीन्स हाथ ऊपर से लेकर के ये क्रॉस में 1 सांस को बाहर छोड़ते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 10 टेक अ ब्रेक रुक जाइए एंड देन अगेन 10. उसके बाद साइड वाली एक्सरसाइज हम कर रहे थे तो आज हम थोड़ा सा पैरों को हाथ ऊपर ना लेकर के हम सिर्फ पैर को ही अप करेंगे. 1 थोड़ा ज़्यादा पैर को उठाना है हमें इस तरीके से. 12 to 15 उसके बाद मुझे पता है कि ये आपकी फेवरेट एक्सरसाइज बन गई है साइड वाली. सो ये आपको ये आपका लेवल था कल फ्लेक्सिबिलिटी का. आपने यहाँ पर हाथ रखा था, जो भी आपने जहाँ पर भी आपका लेवल रखा हो वहीं पे हाथ रख के ये 20 1, 2, 3, 4, 5 10 उसके बाद थोड़ा सा नीचे और कर लीजिए हाथ को एंड देन 10 थोड़ा सा नीचे करके ऑन द अदर साइड 10 कल वाले लेवल पे और 10 थोड़ा सा नीचे लेकर के. दैट मीन्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कल से और थोड़ा सा और बढ़ गई 10. दैट इज टोटल ओवरऑल हमने किया 20 एंड आफ्टर दैट हमारी फाइनल एक्सरसाइज दिस 1 आज हम सेम रखेंगे ये वाली अराउंड 30 एंड देन आफ्टर दैट 30 के बाद जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय योर हेल्थ एंड फिटनेस विथ योर योपेक्स.